भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। मंच पर विराजमान राजस्थान के राज्यपाल श्रीमान कल्याण सिंह जी, यहां की जनप्रिय मुख्यमंत्री बहन वसुंधरा राजे जी, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मेरे साथी कर्नल राजवर्धन सिंह राठौड़, अर्जुन राम मेघवाल, सीआर चौधरी, पीपी चौधरी, गजेंद्र सिंह शेखावत, राजस्थान के बीजेपी के अध्यक्ष, और वर्षों तक जब मैं भारतीय जनता पार्टी का संगठन का कार्य करता था तो हमेशा श्रीमान मदनलाल सैनी जी के साथ दौरा होता था मेरा, और एक संगठन की बारीकियों में काम करने वाले कार्यकर्ता आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में हमारा नेतृत्व कर रहे हैं। विधानसभा के स्पीकर श्रीमान कैलाश मेघवाल जी, राजस्थान सरकार में मंत्री श्रीमान गुलाब चंद जी कटारिया जी, और राजस्थान के कोने कोने से आए हुए सभी उत्साही मेरे प्यारे भाई और बहनों, राजस्थान अपनी परंपरा के अनुरूप, अपनी संस्कृति के अनुरूप किस प्रकार स्वागत सम्मान करता है, कैसे सत्कार और अपनापन देता है, इसकी साफ साफ झलक मैं आज अनुभव कर रहा हूं। राजस्थान की जमीन की क्या सच्चाई है, जन का क्या मत है, ये इस विशाल मैदान में हर किसी को दिखाई देता है। राजस्थान निरंतर ऐसे ही हम सब पर अपना स्नेह बरसाता रहा है। आपके इस आशीर्वाद के लिए मैं हृदय से आभारी हूं और इस वीरों की धरती को नमन करता हूं। साथियों, राजस्थान में शक्ति और भक्ति का संगम है। महाराणा प्रताप के साहस, महाराजा सूरजमल के शौर्य, भामाशाह के समर्पण, पन्ना धाई के त्याग, मीराबाई की भक्ति, हाड़ी रानी के बलिदान, अमृता देवी के आत्मोत्सर्ग की कदगाथाएं यहां के जन जीवन का हिस्सा है। गगनचुंबी किले, सुनारे धोरे, रंग बिरंगी पगड़ियां, मीठी बोली, सुरीले गीत और मर्यादित रीत, यही तो राजस्थान की पहचान है। प्रकृति की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से लोहा लेते हुए अन्न उत्पादन हो या फिर राष्ट्र रक्षा की चुनौती, राजस्थान सदियों से इस देश को प्रेरणा देता रहा है। भाइयों और बहनों, बीते चार वर्षों से राजस्थान दोगुनी शक्ति के साथ विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है।
केंद्र और राजस्थान की सरकारें मिलकर के आप सभी के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। ₹2100 करोड़ से अधिक इसकी 13 योजनाओं का शिलान्यास करने का अवसर मिला। उदयपुर, अजमेर, कोटा, धौलपुर, नागौर, अलवर, जोधपुर, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, किशनगढ़, सुजानगढ़, बीकानेर, भीलवाड़ा, माउंट आबू, बंदी और ब्यावर, इनसे जुड़े इन प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ है। ये सारे प्रोजेक्ट राजस्थान के शहरों और कस्बों में बेहतर और स्मार्ट सुविधाओं के निर्माण से जुड़े हैं। ट्रैफिक जाम से मुक्ति का समाधान हो या फिर सीवेज की बेहतर व्यवस्था हो, ये सारे प्रोजेक्ट्स इन सभी शहरों में जीवन को सुगम बनाने वाले हैं। साथियों, 4 वर्ष पहले की स्थिति आप भूले नहीं होंगे और मैं राजस्थान के लोगों से आग्रह करूंगा कि 4 साल पहले की कौन सी स्थितियां थी, किन परिस्थितियों में वसुंधरा जी को कारोबार संभालना पड़ा, पिछली सरकार राजस्थान में कैसे हाल छोड़ के गई थी, उन बातों को कभी भूलना मत। तब जाकर के पता चलेगा कि आज काम कैसे हो रहा है। किस प्रकार राजस्थान में सिर्फ नेताओं के नाम पर पत्थर झड़ने की होड़ मची हुई थी। बाड़मेर में अब जो रिफाइनरी बन रही है उसके साथ क्या क्या हुआ था, ये राजस्थान का बच्चा बच्चा जानता है। आज इस रिफाइनरी पर तेज गति से काम चल रहा है। ये इस सरकार का काम करने का तरीका है जिसमें न चीजें अटकती हैं, न लटकती हैं, न भटकती हैं। चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारा एकमात्र एजेंडा रहा है और वो है विकास, विकास और विकास। देश के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को अधिक से अधिक सरल, स्वस्थ, सुरक्षित और सुगम बनाने का काम एक के बाद योजनाओं के द्वारा हम करते चले जा रहे हैं। सरकार की योजनाओं का कितना लाभ आप सभी तक पहुंचा है, ये जानने और समझने का और उसमें सुधार की अगर कोशिश भी लगातार जारी है, ये हमारा प्रयास है। कुछ समय पहले आप में से ही कुछ लाभार्थियों ने अपने जीवन में आए बदलावों के बारे में बताया है। यहां न सिर्फ केंद्रीय योजनाएं बल्कि राज्य सरकार की योजनाओं से जुड़े लाभार्थी भी अपनी बात बता रहे थे। राजश्री योजना के तहत जिन मेधावी बेटियों को स्कूटी मिली है, पालनहार योजना के तहत जिन बच्चों को लाभ हुआ है, जिन बुजुर्गों को तीर्थ योजना का लाभ मिला है, इन सब की आंखों में जो चमक दिखी, जो विश्वास दिखा, उसे कोई व्यक्ति भूल नहीं सकता है। और मैं वसुंधरा जी को
इस कल्पना के लिए बधाई देता हूं। ये ठीक है, एक वर्ग है जिनको भारतीय जनता पार्टी का नाम सुनते ही उनकी नींद खराब हो जाती है, मोदी का या वसुंधरा जी का नाम सुनते ही उनको बुखार चढ़ जाता है, उनको ऐसी कार्यक्रमों से नफरत होती है। लेकिन इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि जब लाभार्थियों के मुंह से राजस्थान का सामान्य नागरिक जानता है तो उसको भी पता चलता है कि हां ये योजना है और मैं भी जाकर के इसका लाभ ले सकता हूं या ले सकती हूं। एक प्रकार से योजनाएं उसके कारण सिर्फ कागज पर अटक नहीं जाती हैं, वो जन जन तक पहुंचती है। इसके कारण सरकारी मशीनरी पर एक दबाव पैदा होता है, जनता जनार्दन का दबाव पैदा होता है, लोग में जागरूकता आती है और उसके कारण किसी क्षेत्र में एकाध अफसर अगर ढीला काम करता होगा तो उसको भी अब दौड़ना पड़ता है। और इसलिए इस कार्यक्रम के द्वारा सरकार का प्रचार जितना है उससे ज्यादा लाभार्थियों में जागरूकता का बहुत बड़ा काम हुआ है। और मैं चाहूंगा कि लाभार्थी बार बार सब जगह पे बताएं ताकि और जो छूट गए हैं वो लाभ लेने के लिए आगे आए। साथियों, बीते चार वर्षों में जो भी कार्यक्रम बने हैं उनके केंद्र में हमारा गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित, दलित, आदिवासी, हमारा किसान, हमारी माताएं बहनें, वे इसके केंद्र बिंदु में है। सरकार 2022 तक, जब आजादी के 75 साल होंगे, किसान की आय दोगुना करने के लक्ष्य के साथ काम कर रही है। और इसी धरती के संतान मेरे साथी गजेंद्र सिंह शेखावत कृषि विभाग को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। मुझे याद है 3 साल पहले जब सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम को शुरू करने का अवसर आया तो इसका शुभारंभ राजस्थान के सूरतगढ़ से ही हुआ था। तब सरकार ने लक्ष्य रखा था इस समय तक 14 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड बांटने का इरादा था और मुझे खुशी है कि ये वादा हमने पूरा किया और अब तक देश में 14 करोड़ 50 लाख से ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड किसानों को दिए जा चुके हैं। राजस्थान में भी करीब करीब 90 लाख किसानों को ये कार्ड मिले हैं। इन कार्डों की वजह से वैज्ञानिक तरीके से खेती और आसान हुई है और इसका सीधा असर उत्पादन पर पड़ा है। आपने देखा होगा अनेक वर्षों के बाद देश में बम्पर क्रॉप हुआ है। साथियों, ये भी सुखद संयोग है कि जब सरकार ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को लागत का 1.5 गुना करने का अपना वादा पूरा किया है तो भी सबसे पहले मुझे सार्वजनिक कार्यक्रम राजस्थान में करने का अवसर मिला है। इस बार जो बाजरा, ज्वार या दाल आप उगाएंगे उसके लिए आपको लागत का 1.5 गुना मूल्य मिलेगा। साथियों, मैं विशेषकर राजस्थान के किसानों को
विस्तार से इस बारे में बताना चाहता हूं। एक क्विंटल बाजरा की अनुमानित लागत करीब 990 रुपये होती है। कितनी कितनी 990 रुपये कितनी? अब सरकार ने एमएसपी बढ़ाकर 1950 रुपये कर दिया। कितना कितना कितना? पहले 990 लागत और अब 1950 रुपया मिलेगा, यानी करीब करीब लागत का दो गुना। इसी तरह ज्वार का लागत मूल्य करीब 1620 रुपये है, जिसके लिए एमएसपी अब 2430 रुपये का दिया गया है। मक्के की भी लागत प्रति क्विंटल करीब 1130 रुपया आंकी जाती है, इसके लिए भी एमएसपी अब 1700 रुपये कर दिया गया है। मूंग का लागत मूल्य भी 4650 रुपये आंका जाता है, जिसके लिए एमएसपी को बढ़ाकर करीब करीब 7000 रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा चाहे तूर दाल हो, उड़द हो, सोयाबीन हो, धान हो, सभी में सरकार ने लागत का 1.5 गुना मूल्य सुनिश्चित किया है। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार राज्य सरकारों से लगातार संवाद कर ये भी सुनिश्चित कर रही है कि फसलों की खरीदारी के लिए प्रभावी प्रबंध किए जाएं। यहां वसुंधरा जी की सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि किसान के पसीने की एक एक बूंद का सम्मान हो। मुझे बताया गया है इस बार लगभग 11,500 करोड़ रुपए की उपज सरकार खरीद कर चुकी है। साथियों, सरकार बीज से लेकर बाजार तक की पूरी व्यवस्था पर काम कर रही है। किसानों के लिए भी योजनाएं इन 4 वर्षों के दौरान बनी है। वसुंधरा जी की सरकार उनको भी पूरी क्षमता से लागू करने में जुटी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब तक यहां किसान भाइयों को 2500 करोड़ से अधिक का क्लेम दिया जा चुका है। साथियों, गरीबी से लड़ने के लिए जो पहले के तौर तरीके थे, उनसे हटकर भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने गरीब के सशक्तिकरण और विकास में उसकी भागीदारी का रास्ता अपनाया है। इसके स्पष्ट परिणाम देखने लगे हैं। दुनिया की एक नामी संस्था की हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, इसमें कहा गया है कि भारत में बीते 2 वर्षों में लगभग 5 करोड़ गरीब के कुचक्र से बाहर निकल गए हैं। 5 करोड़ लोग गरीबी से मुक्त हुए हैं। साथियों, गरीबी से मुक्ति के मार्ग पर जो देश अग्रसर हुआ है, उसका कारण है साफ नियत, सही विकास। आप सभी देश के 125 करोड़ लोगों का सहयोग इस सरकार को मिल रहा है। आपके सहयोग का ही ये परिणाम है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत राजस्थान में लगभग 80 लाख शौचालयों का निर्माण किया गया है। इस दौरान देश में जो लगभग
32 करोड़ गरीबों के बैंक खाते खुले हैं, उनमें से 2.5 करोड़ से अधिक जनधन खाते राजस्थान में खुले हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत और पहले की योजनाओं को पूरा करके राजस्थान के 6 लाख से अधिक गरीबों को घर देने का काम भी किया गया। सिर्फ 1 रुपया महीना और 90 पैसे प्रतिदिन के प्रीमियम पर राजस्थान के भी 70 लाख लोगों को सुरक्षा बीमा योजना का कवच मिला है। साथियों, मुद्रा योजना के तहत राजस्थान के 44 लाख से अधिक उद्यमियों को स्वरोजगार के लिए बिना गारंटी कर्ज दिया गया है। इसके अलावा सिर्फ साल भर में राजस्थान के लगभग 3 लाख लोगों को सौभाग्य योजना के तहत मुफ्त में बिजली कनेक्शन दिया जा चुका है। राजस्थान में 35.5 लाख से अधिक गरीब माताओं बहनों को उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए हैं। उज्ज्वला योजना ने महिलाओं के जीवन को बदलने का काम किया है। भाइयों और बहनों, हाल ही में इस योजना की लाभार्थी माता बहनों के साथ संवाद के दरमियान मुझे एक और बात का पता चला। एक बहन ने बताया कि उज्ज्वला योजना की वजह से धुएं से मुक्ति तो मिली हुई, लेकिन साथ में पानी की भी बचत हुई। पानी की बचत इसलिए हो रही है क्योंकि अब गैस पर खाना बनाने की वजह से बर्तनों में कालिख नहीं लगती। ऐसे में राजस्थान की माताओं को तो ये दोहरा फायदा देने वाली स्कीम है। साथियों, मुझे एहसास है कि राजस्थान के लोगों के समय का एक बड़ा हिस्सा पानी की आवश्यकताओं को पूरा करने में चला जाता है। वसुंधरा जी की सरकार ने इस दिशा में भी सराहनीय प्रयास किए हैं। मुझे बताया गया है कि मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान जैसी योजनाओं के माध्यम से गांव और शहर में मिलाकर 4,000 करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट पूरे कर दिए गए हैं। 12,500 से अधिक गांवों तक पीने के पानी की सुविधा पहुंचाई गई है। भाइयों और बहनों, आपकी लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने मुझे बताया है कि राजस्थान सरकार और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों द्वारा एक मांग केंद्र सरकार के सामने रखी गई है। पार्वती, काली सिंह, चंबल लिंक परियोजना को राष्ट्रीय प्रोजेक्ट के तौर पर घोषित करें। मुझे जानकारी दी गई है कि इसकी विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट जल संसाधन मंत्रालय को भेजी गई है और परियोजना की तकनीकी जांच का काम चल रहा है। इस परियोजना से राजस्थान की 2 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। इतना ही नहीं, इस परियोजना से जयपुर, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, झालावाड़, कोटा, बूंदी ऐसे 13 जिलों में रहने वाली राजस्थान की 40% आबादी को पीने का पानी उपलब्ध होगा। भाइयों और बहनों, मैं आपको यह आश्वासन देना चाहूंगा कि केंद्र सरकार इस मांग के प्रति सकारात्मक रुख रखेगी। राजस्थान का विकास हो, यहां के किसान को पानी आसानी से मिले,
लोगों को पीने के पानी मिले, इसके लिए पूरी संवेदनशीलता के साथ फैसला लिया जाएगा। साथियों, गरीब को सशक्त करने के लिए सरकार स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षण के क्षेत्र पर और ज्यादा फोकस कर रही है। पिछली बार जब मैं झुंझुनू आया था तो राष्ट्रीय पोषण मिशन जैसी महत्वाकांक्षी योजना का ऐलान किया था। अब ये कार्यक्रम प्रभावी तरीके से देश भर में चल रहा है। इसके अलावा महिलाओं और शिशुओं के टीकाकरण और विशेषज्ञों की निगरानी में डिलीवरी को जो प्रोत्साहन दिया गया है, उससे माता मृत्यु दर में भी बड़ी गिरावट आई है। मैं राजस्थान की माताओं बहनों को और राजस्थान की सरकार को विशेष तौर पर बधाई देता हूं कि इस दिशा में आप जो प्रयास कर रहे हैं, उसका परिणाम आज जमीन पर दिखने लगा है। निश्चित तौर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को राजस्थान बहुत ऊंचे स्तर पर ले जा रहा है। बीमारी को लेकर गरीब की चिंता को समझते हुए आयुष्मान भारत का एक बड़ा संकल्प भी लिया गया है। इसके तहत गंभीर बीमारी की स्थिति में करीब करीब 50 करोड़ आबादी को सालाना 5 लाख तक मुफ्त इलाज सुनिश्चित किया जाएगा। इस योजना पर तेजी से काम चल रहा है और बहुत जल्द इसकी शुरुआत होगी। भाइयों और बहनों, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की हर योजना का लक्ष्य देश का संतुलित विकास और हर व्यक्ति को सम्मान, सुरक्षा और स्वाभिमान का जीवन देना है। इस वक्त देश में एक अभूतपूर्व जन आंदोलन चल रहा है। इसका नाम है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। गांवों में विकास के अलग अलग पैमानों को ध्यान में रखते हुए नई ऊर्जा के साथ काम किया जा रहा है। गांव में सभी के पास बैंक खाते हो, गैस कनेक्शन हो, घर में बिजली कनेक्शन हो, सभी का टीकाकरण हुआ हो, सभी को सुरक्षा कवच मिला हो, हर घर में एलईडी बल्ब हो, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। इस अभियान के तहत इस साल 15 अगस्त तक राजस्थान के भी 1500 गांवों को इन योजनाओं का संपूर्ण लाभ दिया जाएगा। साथियों, सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलते हुए देश के हर हिस्से को, चाहे गांव हो या शहर, सभी जगह विकास की रोशनी पहुंचाने का प्रयास तेज गति से चल रहा है। देश के 100 बड़े शहरों में तेज गति से स्मार्ट व्यवस्थाएं विकसित की जा रही है। इन 100 शहरों में हमारे जयपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर भी शामिल है। इन शहरों की सड़कों को, गलियां हो, ट्रैफिक, बिजली, पानी और सीवर से लेकर के प्रशासन से जुड़े तमाम पहलुओं को स्मार्ट बनाने का के लिए केंद्र सरकार ने 7000 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी दे दी है। राजस्थान सरकार इन परियोजनाओं पर तेजी से काम कर रही है। साथियों, आज जो काम हो रहे हैं वो पहले भी हो सकते थे, लेकिन पहले की जो सरकारें रही तो उन्होंने किस नियत से काम किया, उससे आप भली भांति परिचित हैं। इसी नियत का परिणाम है कांग्रेस को आजकल कुछ लोग बैलगाड़ी बोलने लगे हैं। बैलगाड़ी नहीं, बैलगाड़ी। बैलगाड़ी नहीं, बैलगाड़ी। आखिर कांग्रेस के दिग्गज कहे जाने वाले करीब करीब कई नेता और कई पूर्व मंत्री आजकल बेल पर यानी कि जमानत पर है, लेकिन आपने जिस भरोसे के साथ कांग्रेस की संस्कृति को नकारा और भाजपा को जनादेश दिया,
उस भरोसे को दिनों दिन मजबूत करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। हम न्यू इंडिया के संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। 2022 में देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगले वर्ष मार्च में ही राजस्थान के गठन को 70 वर्ष होने वाले हैं। न्यू इंडिया का निर्माण नए राजस्थान के बगैर संभव नहीं है। ऐसे में यहां के मेरे भाई और बहनों के लिए भी राष्ट्र निर्माण, राजस्थान निर्माण का यह सुनहरा अवसर है। साथियों, ये वर्ष देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले परमवीर चक्र विजेता शहीद पीरू सिंह शेखावत का भी जन्मशती वर्ष भी है। कुछ ही दिन बाद उनके बलिदान के 70 वर्ष भी पूरे होने वाले हैं। इस महान बलिदानी को मेरा शत शत नमन है। हमारा राष्ट्र ऐसे ही अनेक बलिदानियों की वीरता, शौर्य और राष्ट्रभक्ति के दम पर आज दुनिया के सामने सिर उठाकर खड़ा हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे राजनीति विरोधी यहां भी बाज नहीं आए। सरकार तक तो ठीक, उन्होंने सेना को भी, उनकी क्षमता पर भी सवाल उठाने का पाप किया है। ये पहले कभी नहीं हुआ। राजस्थान के लोग, देश के लोग ऐसी राजनीति करने वालों को कभी माफ नहीं करेंगे। साथियों, जिनको परिवार की, वंशवाद की राजनीति करनी है वो करें, लेकिन देश की रक्षा और स्वाभिमान को शिखर पर ले जाने का हमारा निश्चय अटूट है और हमारी नीतियां साफ है। यही कारण है कि जो वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा सालों से अटका हुआ था, इस सरकार ने उसका भी समाधान किया गया। भाइयों और बहनों, देश आज एक अहम मोड़ पर खड़ा है। एक नई दिशा की तरफ हम चल पड़े हैं। कई मुश्किल लक्ष्य हासिल किए जा चुके हैं और कई अभी तय करने के इरादे से आगे बढ़ रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी की सक्रिय भागीदारी से, अपने हर संकल्प को सिद्ध करने से सरकार को सफलता मिलेगी। आज जिन योजनाओं पर काम शुरू हुआ है, उसके लिए मैं राजस्थान के लोगों को एक बार फिर बधाई देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मेरे साथ आप सब बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।